तो गारंटी है मेरे भाई 90+ जरूर आएंगे अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेते हैं यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर जाकर सारी वीडियो जो देख लेना। इन सब बातों को किसी ने नहीं बताया होगा कि स्टार्टिंग में जब आपका क्लास स्टार्ट होता है, जब आपका ईयर स्टार्ट होता है, तब आपको क्या करना चाहिए। अगर बताया भी होगा तो इन बातों को नहीं बताया होगा, गारंटी है। अगर आपके 90+ ना आए तो मेरा नाम बदल देना, या फिर अगर आप इस वीडियो को आज वॉच कर लीजिए और इन सारे बिंदुओं को, सारे 5 पॉइंट बताऊँगा, इन 5ों पॉइंट को नोट कर लीजिए एक जगह, अपने एक स्थान पर, और इसके बाद इनको फॉलो करते चले जाइए। ज्यादा बड़ा काम, इतना मैं कठिन वर्क नहीं बताऊंगा कि आप कर ना पाओ, इतना आसान बताऊंगा कि आप करते चले जाएंगे। अगर आप करते चले जाते हैं ना तो आपके 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ना आए ना मेरे दोस्त, तो मुझे जो भी गाली मन करे आपका, वो लिख के चले जाना, मुझे दिल से उसको वो स्वीकार है। परंतु आज आज जो मैं बता रहा हूं उसे आप 5ों टिप्स बहुत अच्छे से और गौर से देखिएगा कि आपको स्टार्टिंग में जब आपका ईयर स्टार्ट होता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बट उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इतनी बेहतरीन प्रिपेयरिंग चल रही है, डेली 4 वीडियोज़ आ रही हैं, आने वाले टाइम पर आपको लाइव क्लासेस अभी ली जा रही हैं, टाइम बढ़ाया जाएगा, वीडियोज़ों का टाइम जैसे आधा एक एक घंटे किया जाएगा। तो इतनी अच्छी मटेरियल, इतनी अच्छी स्टडी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी जो यहाँ पर कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख करके अवेयर हो सकें। नंबर फर्स्ट पे अपनी देखिए टिप्स क्या है। नंबर फर्स्ट पे अपनी टिप्स है दोस्त बनाना। वीडियो को अंत तक देखना, देखिए आपको भी एहसास हो जाएगा और आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा कि हाँ ये सही बात है। नंबर फर्स्ट है दोस्त बनाना। अब बात आती है कि आप जैसे मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आप ऐसे दोस्त बनाते हैं जो कि ना पढ़ते हैं और ना पढ़ने देते हैं। दूसरी बात, वो इसमें रहते हैं और यार क्या हाल है, तेरे वाले का क्या हाल है, ये सब बातें करते हैं। उनसे आपका मन ज्यादा लगता है और उन्हीं से आप दोस्त बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आप चाहे जब देख लेना या फिर आप अपने क्लास पे देख लेना या किसी से पूछ लेना, मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं इस मैटर पर। देखिए कॉलेज में या 10th की क्लास हो या 12th की क्लास हो, आप 10 में हैं या 12 में, इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए आप जब स्कूल कॉलेज में जैसे 10 की क्लास है या 12 की क्लास है, तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है होशियार बच्चों का, उसमें से 5 बच्चे हो सकते हैं, 8 बच्चे हो सकते हैं, 9 बच्चे हो सकते हैं, 10 बच्चे हो सकते हैं, 12 बच्चे हो सकते हैं। उन्हीं बच्चों में से जिनका ये बच्चों का ग्रुप रहता है, एक ही ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में से उसी में स्कूल टॉप आएगा, कोई जिला टॉप आएगा, किसी के 95 आएंगे, किसी के 90+ आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 85 आएंगे, लेकिन सबके मार्क 80 से ऊपर आते हैं, 80% से ऊपर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास जो बातें रहती हैं ना, वो सारी की सारी ऐसी बातें रहती हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड हैं और जो कि पढ़ने में मदद देती हैं। और दूसरी बात, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं तो आपको भी पढ़ने की तरफ ले जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट मेरी टिप्स यही है कि स्टार्टिंग में आप यदि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं या फिर आप क्लास जाएंगे कुछ दिन बाद लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, तो आप वहाँ पर ऐसे दोस्तों का चूज करें, ऐसे दोस्तों को चुने जो पढ़ने में होशियार हों और वो एक कम्युनिटी बनाए हुए हों, 4-5 लोग एक, उनसे दोस्ती बनाने की आप कोशिश करें, बेकार दोस्तों से बिल्कुल भी बात ना करें। तो फर्स्ट नंबर में मैंने आपको समझाया कि आपको जो दोस्त बनाना है वो क्लास के टॉप बनाना है, जो कि बहुत अच्छे पढ़ने में हों और बहुत अच्छे से पढ़ते हों। अगर आप उनको दोस्त बना लेते हैं तो 10% मैं आप गारंटी देता हूँ कि आपका जो पूरा मन है, आपका जो पूरा दिमाग है, सब कुछ बदल जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका टैलेंट, सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप वहाँ पे 60% आपका रिजल्ट बनने वाला होगा तो वहाँ पे 80% बनेगा, 85% बनेगा, गारंटी मैं देता हूँ, लिख के रख लीजिए। बस आप दोस्तों को जो चूज करना, तो यार बहुत अच्छे दोस्त चूज करना जो पढ़ने से ही मतलब रखते हों और किसी चीज़ से मतलब ना रखते हों, यानी कि क्लास के टॉपर छात्र हों, ठीक है। तो फर्स्ट टिप्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकेंड टिप्स पे हम लोग आते हैं कि आप, ये तो सबको ही बताता है यार, मैं खुला बता देता हूँ जो बात बताता है, लेकिन ये बात बताने योग्य भी है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, ठीक है। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए,
नंबर फर्स्ट में आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इतना परसेंट बनाना है। कितना परसेंट की आपको 85+ बनाना है या 90+% बनाना है, जितने परसेंट आपको बनाना है या 95+ बनाना है उसका आप एक गोल बना लीजिए कि मतलब मुझे इतने परसेंट चाहिए। जैसे किसी को मिनिमम बच्चों को 80 या 85+ चाहिए, ज़्यादा नहीं, 85 में वो खुश रहते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि तीसरा टिप्स मेरा क्या है कि आप घंटे गिनते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए टॉपर बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। मेरे यार अभी से मैं बता दूं आपको घंटे नहीं गिनना, क्या करना है आपको घंटे नहीं गिनना। अब मैं आपको बताता हूं अगर घंटे नहीं गिनना तो कितनी देर पढ़ना है, ये तो क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो देखिए आपको 7 डेज में, कितने डेज में, 7 डेज में आप कितनी टाइम पढ़िए, अगर आप टाइम टेबल बनाकर फॉलो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने हजारों लाखों स्टूडेंटों को देखा है और मैं खुद टाइम टेबल पर कोई नहीं चल पाता। बस आप सोने जगने का टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन घूमने का टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने का टाइम टेबल से फिक्स पूरे साल नहीं जा सकते, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो आप क्या करिए 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में आपको एक चैप्टर, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल, पूरे डेरिवेशन, पूरी थ्योरी, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो पूरे सवाल, और उसकी एक हैंड राइटिंग नोट्स जरूर बनाइए। जैसे कि जो आपने तैयार करते जा रहे हैं उसकी एक नोट्स जरूर बनाते जाइए। इतना आप अगर करते हैं, 7 दिन में एक चैप्टर तैयार करते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे। टॉपर कैसे बनना है, अगर आप 7 दिन में एक चैप्टर तैयार करते हैं तो आपका सिलेबस एग्जाम से 3-4 महीने पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा। और आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर सिर्फ 399 रुपए आप पे करके, 399 रुपए पे करके अगर आप नोट्स नहीं बना पाते तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF में पा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर सोल्यूशन सहित प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनका सोल्यूशन पा सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम पे आने वाले क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन पा सकते हैं, इसके बाद जो अनसाल पेपर है उसका भी सोल्यूशन वहाँ पे पा सकते हैं, और 90+ लाने के तरीके भी वहाँ पर पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे साल के लिए 399 रुपए पे करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो आइए अपने चौथे टिप्स पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने तीसरा टिप्स क्या बताया, आपके घंटे नहीं गिनना, 7 दिनों में आपको पर चैप्टर का, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपको एक चैप्टर 7 दिन में तैयार करना है। अब बात आती है कि आप संडे मैथ एंड बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया, उसके लिए आपको करना क्या, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 6 से लेकर 12th तक IIT जेईई एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। जो सात दिनों में तैयार किया तो मेरे चैनल का तो देखिए रूल है यार कि एक चैप्टर तैयार करवाने के बाद 7 दिनों के बाद एक टेस्ट लिया जाता है उसी चैप्टर का, तो आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप उन 7 दिनों को तैयार किए हुए का आपको वहाँ पे क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्त, रिवीजन करना है। ये अहम पॉइंट है दोस्तों, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको रिवीजन जरूर करना है। संडे टू संडे आपको रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपने 7 दिनों में तैयार किया तो इस संडे को रिवीजन कर लीजिए, फिर दूसरे हफ्ते जब आएंगे आप दूसरे संडे तो वहां पे आपको 2 चैप्टर तैयार होंगे, तो वहां पे उस संडे आपको 2 चैप्टर का रिवीजन करना होगा, ठीक है। नंबर 5वें पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जैसे आप मान लीजिए ऑफलाइन जब स्कूल जाते हैं, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके विलेज में है, अगर आप एक विलेज से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपके फ्रेंड रहते हैं, पुराने फ्रेंड रहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज से आके सोचते हैं 10 मिनट अपने दोस्तों के पास दे दिया जाए, लेकिन वहाँ पर आप 10 मिनट नहीं, वहाँ पर अपना पूरे 1 आवर्स या फिर 2 घंटे गंवा आते हैं बेफिजूल के। तो आप क्या करिए मेरे यार, अगर आप देखिए टॉपर बनना चाहते हो, ये टॉपर शब्द बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खराब है। अगर टॉपर बनने का सपना हर स्टूडेंट का होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका सपना टॉपर बनने का ना हो, तो मैं आपको बता दूं अगर आपके विलेज में रहते हैं तो आप उन सभी से, अपने सगे रिलेशनों से, आप रिश्तेदारियां जाना छोड़ दीजिए, आप किसी की बारात में, किसी की शादी विवाह में जाना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करिए। आप आइए कॉलेज से, आइए कोचिंग से, आइए या फिर ऑनलाइन कोचिंग करिए, तो आप वहीं पे अपने घर में घूम के या घर के बाहर अकेले घूम करके उसी टॉपिक पे सोचते रहिए जो आपने पढ़ के आए हुए हैं, और घूम लीजिए और माइंड को फ्रेश कर लीजिए और उठकर फिर पढ़ने चले जाइए, लेकिन किसी से मतलब मत रखिए। अगर आपके घर का काम है तो चुपचाप घर का काम कीजिए, किसी से बात मत करिए। 1 साल बिल्कुल गुमसुम
गुमसुम रह के जी गुमसुम रहना है आपको, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इनसे भी ज़्यादा मतलब नहीं रखना। आपको बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, और एक घंटे में अगर आप एक घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 5 मिनट आपको पानी पीना है और आप घूमना है, 5-10 मिनट का रेस्ट जरूर लेना है एक घंटे में। तो दोस्तों मैंने इन 5 टिप्सों को अगर आपको बता दिया है, अगर इन्हें आप आज से ही फॉलो करते हैं तो गारंटी है दोस्त आप टॉपर बन जाओगे, कोई भी टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। अगर कोई टॉपर ना बन पाए तो मेरा नंबर तो आपको इससे मिल ही जाएगा, या अगर आप ये टॉप 100 बैच का प्रमोशन पीछे अभी हुआ होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी जो आगे डाउटनेट के बारे में बताया था, उस ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो जैसे आप कभी मैथ्स वगैरह में फंस जाते हैं तो वहाँ आपके काम आने वाला है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।